भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार किसान विरोधी है। आप देखो कि पुराने जब जनसंघ का समय था, मुरारजी देसाई जब देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब गन्ना जलाना पड़ा था। पूर्वज अगर उस समय के लोगों से पूछोगे, अखबारों की कटिंगें निकालोगे, तो गन्ने को जलाना पड़ा था खेतों में। भारतीय जनता पार्टी भूमि अधिग्रहण अधिनियम जो राहुल गांधी जी लेके आए, उसको कई बार अध्यादेश लाके किस तरीके समाप्त करने की कोशिश की, सर्वविदित है। किसान परिवार के लोग, किसान भाई इस बात को समझते हैं। मैं आज के किसान परिवार के लोगों से, खासकर युवा साथियों से, जो बातें तथ्यात्मक देना चाहता हूं, करना चाहता हूं, अगर कोई कमी दिखे तो आप मेरे फेसबुक पे या मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे मुझे इसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप देखो कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जितनी लागत आएगी उससे दुगना किसानों को समर्थन मूल्य दूंगा। तो जब समर्थन मूल्य देने की बात आई तो कोर्ट में उन्होंने जाके कहा, समर्थन मूल्य आने की बात कही तो कोर्ट में उन्होंने जाके कहा कि हम नहीं दे सकते। फिर खाद के दाम जब मोदी जी आए 2013-14 में, खाद के दाम थे 250 से तो 300 रुपए यूरिया का भाव था, 350 के आसपास डीएपी का भाव था, और एनपीके ये 400 के आसपास इसका था। ये चार गुना बढ़ा कि किसान सम्मान निधि, इसका ढिंढोरा पिटा गया, भयंकर पिटा गया, जगह जगह पिटा गया, और 2000 रुपए का सम्मान। आगे मैं स्त्रित में बात करूंगा, किसान सम्मान की निधि वापस लेने की प्रोसेस दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये सम्मान की जगह फिर अपमान करने लगे। ये मैंने जैसा कहा, तीनों काले कानून सर्वविदित है, उसका विरोध हो रहा है। आप सब भी सर हर चीज हर भावना उसकी जानते हैं। बिजली के दाम 5 गुना किसान के लिए, किसान विरोधी है सरकार, डीजल पेट्रोल 100 के पार, जो किसान को आवश्यकता पड़ता है एग्रीकल्चर के काम में। आप देखो कि मंदसौर में 6-6 लोगों की इन्होंने हत्या की, गोली चला के की, न्यायिक जांच बिठाया, आज तक कुछ नहीं हुआ। आप इनके किसान विरोधी हर हरकत पे आप ध्यान दोगे तो मोदी सरकार ने हर साल, किसान आंदोलन 1 साल से चल रहा है, क्या नहीं कहा किसान को? किसान को कहा आप नक्सली हो, किसान को कहा आप पाकिस्तानी हो, किसान के बेटों को कहा देशद्रोही हो, उपद्रवी हो, क्या क्या संज्ञा नहीं दी। अब बात यहां तक आई कि अजय मिश्रा जो किसान आंदोलन को किस तरीके से डराने और धमकाने की बात पहले कह चुके हैं, उसके भी वीडियो है। उन्होंने कहा मैं विधायक और मंत्री और सांसद बनने से पहले क्या था, मेरे बारे में सब जानते हैं, मैं सबको ठीक करना मुझे आता है और सबको यहां से बाहर निकालना भी मुझे आता है, मैं अपनी आई पे आ गया तो क्या करूंगा पता नहीं चलेगा। और उसके कुछ समय बाद ही उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चला दी पीछे से, कितनी निर्ममता है। ये एक फसल की मैंने बात बताई। शिवराज जी, आप कितना झूठ बोलोगे, कितनी बातें करोगे, कितने बरगलाओगे? आपने घाटे का धंधा बना दिया एग्रीकल्चर को शिवराज जी, आपकी सत्ता के लालच ने, हवस ने। हम विरोध करते हैं इस बात का और किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है, शिवराज किसान विरोधी मुख्यमंत्री है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी प्रधानमंत्री है देश का। मैं ये बातें तथ्यात्मक बताने के लिए, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था कमलनाथ जी ने, क्योंकि कर्जदार था किसान। अब बचे हुए का आप माफ क्यों नहीं करते, इसलिए आप किसान विरोधी हो शिवराज जी। बातें बहुत है करने की, आपके झूठ और आपके पाखंड की कहानी तो वहां चालू होती है कि नरेंद्र मोदी को भी आपने आपके झूठ में शिवराज जी संलग्न किया, वो तो झूठे ही है, पर आपने कहा दो झूठे मिलकर हम फिर से जनता को बरगलाएंगे। रोज शिवराज जी आजकल एक वर्जन देते हैं और भाषणों में सारे उपचुनाव में बोलते हैं कि मेरे मध्य प्रदेश के भाइयों के पास अगर एक रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है तो मुझे शर्म आती है कि मैं मुख्यमंत्री हूं इस मध्य प्रदेश का। हम एक नई योजना बनाएंगे और हर किसान को
हर परिवार के उस गरीब आदमी को जिसके पास रहने के लिए एक जमीन का टुकड़ा नहीं उसको टुकड़ा देंगे, रोज भाषण दे रहे थे। फिर अभी नरेंद्र मोदी जी को हरदा में उसमें संलग्न कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि ये योजना उसको बताया और योजना का नाम है क्या नाम, स्वामित्व योजना, जिसका प्रचार प्रसार देश भर में किया, टीवी पर विजुअल आए और सब दूर बड़े बड़े विज्ञापन आए। मैं नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, ये स्वामित्व योजना का पूरा खाका 2018 में जब हमारे भोपाल के विधायक आदरणीय उमा शंकर गुप्ता जी थे तभी खाका तैयार होकर इसको कंप्लीट करके नोटिफिकेशन हो गया था। एक योजना को दो बार लागू करना इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी मुझे पद से हटाएंगे, ये शिवराज जी की करनी और कथनी का अंतर समझो। जब ये नरेंद्र मोदी को धोखा दे सकते हैं शिवराज सिंह जी, तो आप और हम और मध्य प्रदेश की जनता का क्या होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।